हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है हाथ और पैरों की ब्यूटी रिलेटेड। हमारे हाथ और पैरों के फिंगर्स पे जो जॉइंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, जिससे हमारे हाथ और पैर बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे एक नींबू लिया है। नींबू के ऊपर आप इस तरीके से नमक ऐड करके आप इसको अपने हाथों के जो जॉइंट्स है, फिंगर जॉइंट्स, उन पे अच्छे से रब कीजिए। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन के डार्क स्पॉट्स को रिमूव करती है और स्किन लाइटनिंग में हेल्प करती है। इसलिए मैंने यहाँ पे नींबू यूज में लिया है। इस तरीके से आप करने के बाद आप इसको 5 मिनट तक एज इट इज छोड़ दीजिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। सेकेंड स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे एक आलू को अच्छे से धुल के और छील लिया है। अब आप इसको अच्छे से कस लीजिए। कसने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। अब आप इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसका सारा जूस निकाल लीजिए। आलू में विटामिन सी बहुत होता है जो स्किन को लाइटनिंग करने में हेल्प करता है। ये नेचुरल क्लींजिंग भी है जो डेड सेल्स को रिमूव करके हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आलू को यूज़ में लिया है। अगर आपके पास आलू नहीं है तो आप नींबू का जूस भी यूज़ में ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सैंडलवुड पाउडर लिया हुआ है। इसमें एंटी टैनिंग, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। इसमें नेचुरल ऑयल प्रेजेंट होते हैं जो स्किन को हेल्दी बनाते हैं। अब मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है जो स्किन को एक्सफोलिएट करके डेड सेल को रिमूव करता है और स्किन को लाइटन, ब्राइटन एंड टाइटन करता है। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिक्स हो रहे हैं और ये अप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है। अब आप इसको अप्लाई कीजिए अपने हाथ और पैरों पे। इस तरीके से आप हाथों के जॉइंट्स पे इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए, ब्रश की हेल्प से, फिंगर हेल्प से, कॉटन हेल्प से, जिससे भी आप चाहे आप उस तरीके से आप इसको लगा लीजिए अपने हाथों के जॉइंट्स पे। लगाने के बाद आप इसको 10 मिनट तक एज इट इज़ छोड़ दीजिए। जब 10 मिनट कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप इसको वॉश कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसके बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसको 3 दिन तक ज़रूर ट्राई कीजिए। 3 दिन बाद आप देखेंगे आपके जो हाथों के फिंगर्स का जो कालापन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके हाथ पहले से बहुत ज़्यादा फेयर भी दिखने लगेंगे। ये देखिए, आप इस तरीके से आप लगा लिया है, ये आप लगा लीजिए और इसको 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। ये देखिए, 10 मिनट बाद इस तरीके से ये दिख रहा है। अब आप इसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको पसंद है वो लगा लीजिए। देखिए, मेरा हाथ पहले से कितना क्लियर हो गया है, मेरे जॉइंट्स पहले से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। आप इसके बेहतर रिजल्ट के लिए 3 दिन तक ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सिप के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।